गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सातों के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो है कक्षा नवी की क्षितिज बुक जो है उसका पार्ट है एक कुत्ता और एक मैना, इसके बारे में पढ़ेंगे। यह हजार प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है और यह एक ललित निबंध है जिसे हम ललित निबंध कह सकते हैं, यानी कि मनोरंजनात्मक ढंग से लिखा गया निबंध और सौंदर्य से युक्त जो निबंध है। यहाँ पर इस निबंध में एक कुत्ता और एक मैना, यानी कि जो पशु है उनके प्रति, यानी एक कुत्ता और एक मैना निबंध में पशु पक्षियों के प्रति मानवीय संवेदना व्यक्त हुई है, मानवीय प्रेम व्यक्त हुआ है। और जो पशु पक्षी होते हैं वो भी कितने समझदार होते हैं, उनमें भी कैसी करुणा, मानवीय भावना, सहानुभूति होती है। यहाँ पर ये जो निबंध लिखा है हजार प्रसाद द्विवेदी ने, पहले हम इनका परिचय जान लेते हैं, लेखक परिचय, और देखते हैं कि हजार प्रसाद द्विवेदी जी जो है इनका जन्म 1907 में आरत दुबे का छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी तथा शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन कार्य किया, यानी यह एक अध्यापक रहे। 1979 में इनका देहांत हो गया। इनका जन्म हुआ सन 1907 में, कहां पर हुआ, आरत दुबे का छपरा गांव है और बलिया जिले में हुआ, उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले में। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन में द्विवेदी जी का विशेष योगदान रहा। इनके जो ललित निबंध है वो है अशोक के फूल, कूटज, कल्पलता आदि इनके ललित निबंध है। इन्होंने चार उपन्यास लिखे, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा अनामदास का पोथा। इनकी जो आलोचना साहित्य है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, ये इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि के रचनाएं की है। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं, जटिल, गंभीर और दर्शन प्रदान बातों को भी सरल, सुबोध और मनोरंजक ढंग से इन्होंने व्यक्त किया है, प्रस्तुत किया है। द्विवेदी जी के लेखन की विशेषता है उनका रचना क्रम एक सहृदय विद्वान के रचना क्रम जैसा है, जिसमें शास्त्र की ज्ञान परंपरा, उनके अनुभव आदि का सामंजस्य है। यहाँ पर इन्होंने जो ललित निबंध लिखा है एक कुत्ता और एक मैना, इस निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रकट हुआ है बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद, करुणा जैसे मानवीय भाव भी हमें देखने को मिलते हैं। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी जो स्मृतियाँ हैं उसका उल्लेख हुआ है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये इन्होंने संवेदनशीलता और सहजता का चित्र और पशु पक्षियों के प्रति
अभिव्यक्ति मिली है। शांति निकेतन का जो आश्रम है वहां पर शांति निकेतन में, ये भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य के बीरभूम जिले में बोलपुर के निकट एक छोटा सा शहर है और इस शहर को प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता कौन रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बसाया था। यहीं पर इनका जो आश्रम है शांति निकेतन वो ये स्थित है। देखते बोलते हैं वहां उन्हें जहां ले जाया जाता है
और उनके अस्थियों का जो कलश है उसके पास उदास होकर के बैठा रहता है, तो किस प्रकार से प्रेम प्रकट होता है। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कुत्ता और एक मैना निबंध के माध्यम से, यानी कि पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम और संवेदना प्रकट हुई है, और जो पशु पक्षी है वो भी किस प्रकार से संवेदना प्रकट करते हैं, मनुष्य के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं और सभी जीवों से प्रेम करने की प्रेरणा इस निबंध में दी गई है। आइए हम आगे पाठ पढ़ते हैं। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्य जगह अन्य जगह चले जाए। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था उनका और शायद इसलिए यह पता नहीं क्यों ते पाया, यानी वे निश्चय कर पाए कि शांति निकेतन का जो पुराने शांति निकेतन से पुराने 3 मंजिल यानी 3 मंजिल मकान में कुछ दिन रहे, शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय लिया होगा। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे, सबसे ऊपरी मंजिल पर रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी और वृद्ध और शेर बकू यानी जो कमजोर शरीर वाले होते थे रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका, यानी रविंद्रनाथ टैगोर की इच्छा हुई कि शांति निकेतन को छोड़ करके और उनका जो पुराना मकान है 3 मंजिला वहां जाए और वहीं पर रहे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब था, अच्छा नहीं था, इसी कारण वो शांति निकेतन छोड़ करके वहां उनके जो दूसरा मकान था वहां जाना चाहते थे। उन दिनों छुट्टियां थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सब परिवार ने अपने परिवार सहित रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शन करने की मन में ठान ली। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शने बनाकर लिख रहा हूँ उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो वे यह कह करके मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या, यानी लेखक उन दिनों जब छुट्टियां थी, छुट्टियों की बात है और आश्रम के जो अधिकांश लोग थे वो बाहर चले गए थे। एक दिन लेखक ने परिवार सहित रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शन करने की ठान ली, उनसे मिलने की योजना बना ली और जब लेखक रविंद्रनाथ टैगोर के पास जाते तो पहले ही समझ जाते थे, कहते थे पहले ही कि कोई दर्शनार्थी आया है क्या, यानी दर्शन करने के लिए कोई व्यक्ति आया है क्या, और फिर मुस्कुरा देते थे। शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था, यानी लेखक जब किसी बाहरी व्यक्ति को या किसी भी अतिथि को रविंद्रनाथ टैगोर के पास लेकर जाते थे तो कहा करता था, एक भद्र लोग आपनार दर्शने जने ऐसे छे, एक बांग्ला भाषा में लिखा हुआ वाक्य है, यानी एक भद्र पुरुष है जो आपके दर्शनों के लिए आया है, एक सज्जन पुरुष है जो आपके दर्शनों के लिए आया है, आपसे मिलना चाहता है। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं, इसलिए गुरुदेव थोड़े से मुस्कुरा देते थे। और बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया, यानी गुरुदेव जो थे रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने दर्शन शब्द को पकड़ लिया, वो बार बार उस शब्द का प्रयोग करते थे, लेखक से मिलने पर उसी शब्द का प्रयोग करते थे। इसलिए जब कभी मैं असमय पहुंच जाता था, यानी बिना समय पहुंच जाता था, तो वे हंसकर पूछते थे, यानी लेखक से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हंसकर पूछते थे कि दर्शन
करने पर भी लोग उनसे मिलने आ जाया करते थे। ऐसे दर्शनार्थ से गुरुदेव कुछ डरे डरे से रहने लगे। अस्तु मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचे। लेखक परिवार सहित शांति निकेतन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने के लिए जा पहुंचे। कई दिनों से उन्हें देखा भी नहीं था। गुरुदेव वहां बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में थी। यानी अब गुरुदेव जो थे उनके जो 3 मंजिल मकान है वहां चले जाते हैं अस्वस्थ रहने के कारण और भीड़ भाड़ से बचने के कारण। वहां पर वो बड़े आनंद से रहते थे, अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं थी जितनी शांति निकेतन में थी। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी यानी अस्त होते हुए सूर्य को देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा यानी थोड़ी सी छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ लाने लगा। यानी रविंद्रनाथ टैगोर जो है शांति निकेतन छोड़ करके और उनका जो पुराना मकान है 3 मंजिला वहां पर आ गए थे। क्यों आ गए थे? क्योंकि वो अस्वस्थ थे और भीड़ भाड़ से बचना चाहते थे। वो शांति चाहते थे और अकेले रहना चाहते थे, इसीलिए वो शांति निकेतन को छोड़ करके आ गए थे। उनका जो कुत्ता था वह भी शांति निकेतन में रह गया था और उनका कुत्ता फिर धीरे धीरे वहां से 2 मील चल करके आया और ऊपर शांति निकेतन से उनके दूसरे मकान में आकर के और गुरुदेव से मिला, उनके पैरों के पास खड़ा होकर के पूंछ हिलाने लग गया। गुरुदेव ने उस कुत्ते के पीठ पर हाथ फेरा, वो आंखें मूंदकर रोम रोम से प्रेम रस का अनुभव करने लगा, उसे आनंद का अनुभव होने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देख करके कहा, देखो तुमने ये यहाँ आ गए, देखा तुमने कि ये कुत्ता कैसा, मतलब कितना प्रेम है इस कुत्ते को और समय इतना है जो वहां से यहाँ चल कर के आया है। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आज चले हैं और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर यानी पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, जानवरों के प्रति प्रेम और संवेदना हमें प्रकट करनी चाहिए, दिखानी चाहिए। उसी प्रकार से जो जैसे इसमें एक कुत्ते के बारे में बताया गया है कि कुत्ता किस प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर के प्रति प्रेम प्रकट करता है और उनसे मिलने पर कितना आनंदित होता है, तो यहाँ पर इस निबंध से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवों से प्रेम करना चाहिए। और यहाँ पर